है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज कॉन्सेप्ट क्लियर सेंटर, वेयर ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचआर असिस्टेंट होता क्या है, हम इसका मीनिंग, रोल्स, रिस्पांसिबिलिटीज, क्वालिटीज और क्या स्किल्स चाहिए एक अच्छा एचआर असिस्टेंट बनने के लिए, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फीस सबमिट कर दें, जो कि वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे इस टॉपिक का नाम कॉमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। एचआर असिस्टेंट मीनिंग, जो एचआर असिस्टेंट होता है एक प्रोफेशनल होता है, यानी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, ओके, जो कि हैंडल करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एचआर ड्यूटीज को आपके ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर आप काम करते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज यानी जो भी लेखापाली से रिलेटेड काम होता है आपकी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में, और एचआर ड्यूटीज जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, ओके, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी काम होता है वो हमारे एचआर ड्यूटीज में आ जाता है। ये एचआर मैनेजर्स की मदद करते हैं रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट किसको करते हैं, ये जो भी नए एम्प्लॉयज होते हैं, मींस आपकी कंपनी में नए एम्प्लॉयज को हायर जो करना होता है उसमें ये मदद करें एचआर की, ओके, एचआर मैनेजर्स की। रिकॉर्ड को मेंटेन करने में मदद करते हैं और साथ ही साथ जो पेरोल प्रोसेस होते हैं यानी किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है, ओके, वो देने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसको ये क्लेरिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ओके, क्लेरिकल सपोर्ट यानी लिखापढ़ी से रिलेटेड काम। नेक्स्ट आती है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फर्स्ट, एचआर से रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज और रिक्वेस्ट होती हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ओके, उनको पूरा करने में मदद करना यानी सॉल्व करने में मदद करना। डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना हमारे इंप्लॉयज के, ओके, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। आपको एक माध्यम की तरह यानी कॉन्टेक्ट की तरह काम करना पड़ता है कंपनी और आपके जो क्लाइंट्स होते हैं उनके बीच में। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मदद करना, ओके, आइडेंटिफाई करके जो भी कैंडिडेट्स हमारी कंपनी के लिए अच्छे हों उन्हें, ओके, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को देखना, और अगर हमें कोई कैंडिडेट सुइटेबल लगा हमने उसको हायर कर लिया तो उसको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इशू करना, ओके, यानी उसको ज्वाइनिंग लेटर देना। एचआर मैनेजमेंट टीम के कैलेंडर्स को मेंटेन रखना, कैलेंडर से हमारा यहाँ पे मतलब है जो भी काम एचआर मैनेजर्स को या एचआर मैनेजमेंट टीम को पूरा करना होता है उसकी एक पूरी लिस्ट होती है, ओके, वो कैलेंडर में दी होती है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसीजर्स में मदद करना, मीटिंग को शेड्यूल करना, किस एम्प्लॉय को किस क्लाइंट के साथ मीटिंग रखनी है, ओके, इंटरव्यूज करना, एचआर इवेंट्स और एजेंडास को मेंटेन रखना, ट्रेनिंग सेशन एंड सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज करना, ओके, ट्रेनिंग सेशन टाइम टू टाइम हमारे एम्प्लॉयज को देनी पड़ती है, ओके, जो भी नया स्टाफ हमारी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में आया है उसके रिकॉर्ड्स को अपडेट करते रहना टाइम टू टाइम, रिपोर्ट बना के सबमिट करना, ओके, जो भी एचआर एक्टिविटीज हो रही है उनके ऊपर, पेरोल को प्रोसेस करना यानी वही सैलरीज देना एम्प्लॉयज की, और अगर सैलरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए यानी पेरोल एरर्स हो जाए तो उनको सॉल्व करना। अगर हमें कोई एम्प्लॉय सुटेबल नहीं लग रहा हमारी कंपनी में, हम उसको क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं यानी उसको फायर कर सकते हैं, ओके, तो जो भी टर्मिनेशन से रिलेटेड पेपर वर्क होता है उसको पूरा करना, जो भी लेटेस्ट एचआर ट्रेंड्स और प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ओके, उसके साथ अप टू डेट रहना। लास्ट आती है क्वालिटीज या फिर स्किल्स। फर्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स या उससे रिलेटेड किसी फील्ड में। सेकंड, आपको पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए एचआर असिस्टेंट की फील्ड में, ओके, लेबर लॉज और एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस यानी एम्प्लॉयमेंट और लेबर से रिलेटेड जो भी कानून होते हैं उसकी आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। मैनेजमेंट स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, ओके, चीजों को आप मैनेज करके काम करें। आपको पेरोल प्रैक्टिसेस के बारे में पता होना चाहिए यानी एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे देनी है, ओके, एचआर फंक्शंस और एचआर प्रैक्टिसेस जो होती है उसकी आपको पूरी समझ होनी चाहिए। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए चाहे रिटन हो या वर्बल हो, आप प्रेशर में काम कर सको। कभी कभी क्या होता है जो डेडलाइन होती है वो बहुत कम होती है, ओके, बहुत कम टाइम दिया होता है हमें कोई भी काम को करने के लिए, तो आप प्रेशर में अच्छे से काम कर सको, ओके, ये क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर लिटरेसी होना चाहिए यानी आपको कंप्यूटर अच्छे से यूज करना आना चाहिए। आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल और टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छे होने चाहिए, ओके, चीजों को आप टाइम पे पूरा कर सको। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए यानी जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको सॉल्व कर सको। अटेंशन टू डिटेल्स, आपको छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना है, ओके, आपकी एक छोटी सी गलती कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है या फिर एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट आपके हाथ से जा सकता है। एंड लास्ट, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाए, ओके, किसी भी काम को पूरा करने के लिए वो आप अच्छे से फॉलो करो। तो ये सारी क्वालिटीज और स्किल्स एक एचआर असिस्टेंट के पास होना चाहिए।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आई तो डिसलाइक करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।